फॉर पी डी एफ ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम आई क्यू को ज्वाइन कर सकते हो सिंपली आप टेलीग्राम पर जाके चैनल का नाम सर्च करें नेक्स्ट एग्जाम आई क्यू पी डी एफ आपको हमारे टेलीग्राम ऐप पर मिल जाएगा सो so शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की तो so सबसे पहले पाँच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन क्वेश्चन है आपके करंट अफेयर रिवाइज हो रहे हैं तो इन क्वेश्चन को आपने स्किप नहीं करना इनके आंसर्स बताने की कोशिश करनी है एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको इन क्वेश्चन के आंसर्स भी मिल जाएंगे तो सबसे पहले कोशिश करें आंसर्स आप खुद बता पाएं तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ रिसेंटली इनाग्रेटेड द स्टैचू ऑफ श्री आदि शंकराचार्य आदि शंकराचार्य एट कौन से प्लेसेस पे एट विच आर द फॉलोइंग प्लेसेस वेल मैं यहाँ आपको ऑप्शंस नहीं प्रोवाइड करता आपको कोशिश करनी है कि खुद आप बता पाएं आपको बताने की कौन से प्लेस में श्री आदि शंकराचार्य का स्टेचू इनग्रेट किया था मोदी जी ने सेकेंड क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ यूके हैज लॉन्च इट्स फाइव इट्स फर्स्ट कमरेटिव कॉइन जो पाँच पाउंड का है आपको बताना है ये महात्मा गांधी जी की लाइफ पे आधारित है तो इस पे जो कोट लिखा हुआ है आपको बताने की इस कोट का टाइटल क्या है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बताइए थर्ड क्वेश्चन है विच यूनिवर्सिटी टॉप टू टू ओ एस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग लिस्टेड बाय क्वैकोरेली साइमेंट्स तो आपको बताना है कि इसमें टॉप किसने किया एशिया यूनिवर्सिटी ने एशियन यूनिवर्सिटी जिसने टॉप किया आपने बताना है एंड फोर्थ क्वेश्चन है अभी ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अगेन ऑप्शन नहीं है कौन सी कंट्री द्वारा एक अर्थ साइंस सेटेलाइट ग्वैन मूव इन टू स्पेस लॉन्च किया गया एंड फिफ्थ क्वेश्चन है कौन से इंडियन प्लेयर फर्स्ट बने हैं टू uh, जो ऑस्ट्रेलिया इस जो लीग होगी ऑस्ट्रेलियन बिग बैश लीग मेलबोर्न रनिगेट टीम में ये रिप्रेजेंट करेंगे तो इंडिया के हैं पहले इंडियन प्लेयर बने हैं आपने आईपीएल में भी इन्होंने देखा देखा होगा मुंबई इंडियंस में आपने देखा इन्हें दिल्ली कैपिटल्स के साथ इन्होंने खेला था तो आपको ये बताना है कि ये लाइक इनका नाम आपने बताना है शुरुआत करता हूँ मैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉर्न बेस्ट फीमेल डेब्यू ऑनर एट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन पैरॉलम्पिक स्पोर्ट्स अवार्ड तो किसे सम्मानित किया गया आपने बताना है, इनकी पिक्चर भी आपके सामने है करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लेकारा अवनिले लेकारा को चुना गया बेस्ट फेमल डेब्यू ऑनर एट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन पैरालम्पिक स्पोर्ट्स तो आपने ये याद रखना है एंड इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की थी वाई इंडिया वाई विनिंग इंडिया फर्स्ट गोल्ड मेडल इन शूटिंग एट टू थाउजेंड ट्वेंटी टोक्यो पैरालंपिक्स एंड इन्हें ही चुना गया ये आप ध्यान रखें एंड अगर टोक्यो पैरालंपिक्स में अगर मैं बात करूँ तो हमने पाँच गोल्ड जीते थे आठ सिल्वर जीते थे एंड छः ब्राउन्ज जीते थे नाउ कमेंट डाउन जो ओलंपिक्स हुए थे ये पैरॉलम्पिक्स हैं जो मेन ओलंपिक्स थे उसमें हमने कितने मेडल्स जीते थे देखते हैं कितने बता पाते हैं मेडल गोल्ड मेडल तो आपको एक याद है एक लौता हमारा गोल्ड मेडल आया था नीरज चोपड़ा जी का तो आपको ये बताना कि बाकी हमने टोटल मेडल कितने जीते थे आपने बताना टैली आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन विच स्टेट हैज़ अनाउंसड तमिल थाई वाज थू एज ए स्टेट सॉन्ग वेल क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है तो किस स्टेट द्वारा इसे अनाउंस किया गया स्टेट इज एग्जैक्टली तमिलनाडु ओके ये आप याद रखें एंड ये जो तामिल थाई विज हाउ एज स्टेट एनथम बेसिकली एंड इट शुड बी सन बिफोर द स्टार्ट ऑफ एनी फंक्शन कोई भी कोई फंक्शन होगा किसी स्कूल में किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में तो इसे कोई भी प्रोग्राम शुरू करने से पहले इसे गाया जाएगा तो ये आपने याद रखना है 55 सेकंड इसकी जो एक लाइक आप कह सकते हो टाइमिंग है ये आप ध्यान रखें एंड इसमें तमिलनाडु के बारे में बेसिक चीज़ें आपको पता है एम के स्टालिन uh, मुख्यमंत्री हैं आर एन रवि मुख्यमंत्री हैं नहीं एम के स्टालिन एग्जैक्टली exactly, मुख्यमंत्री एंड गवर्नर की बात कर रहा हूँ आर एन रवि गवर्नर है एंड कैपिटल आप लोग जानते हो चेन्नई है आगे बढ़ते हैं विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन नेशन टू अप्रूव कैनबिस फॉर पर्सनल यूज तो कैनाबिस्ट यानी कि जिसको हम देसी भाषा में बांग बोलते हैं तो पर्सनल यूज़ के लिए इसे अप्रूव करने वाला फर्स्ट यूरोपियन नेशन बना है आपको बताना है इस नेशन का नाम तो नेम ऑफ दिस नेशन नेम इज मालता याद रखें मालता बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन नेशन एंड देखो गाइज uh, कल का मैं पी आप तक नहीं प्रोवाइड किया था एंड आई होप अभी तक आपको पी तो मिल गया होगा तो uh, आप सोचेंगे कि सर टाइमली पी क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे Actually, हो एक्चुअली आप लोग जानते हो जे में लाइक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट के बिटवीन जो इशू चल रहा है उस वजह से पूरे होल जम्मू एंड कश्मीर में लगभग तीन दिन से लाइट नहीं थी तो मैं वीडियोस कंटिन्यूली uh, लाइक uh, like, बनाने की कोशिश कर रहा था तो बट काफ़ी चीज़ें मुझे भी काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ी इस वजह से मैं आपको अब आप तक पीडीएफ टाइमली प्रोवाइड नहीं कर पाया बट आज का पीडीएफ आप तक टाइमली मिल जाएगा एंड प्रीवियस पीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया आई होप आपने डाउनलोड कर लिए एंड अभी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ एंड यकीन मानेंगे आप फॉर वन आवर लाइट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वगैरह दी गई थी एंड इन्वर्टर वगैरह सब ऑफ थे तो वही चार्ज के इन्वर्टर ये आपका लैपटॉप हमारा एंड उसके बाद मैं थोड़ी जल्दी मैं इसे वीडियो बना रहा हूँ <laughs> हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ गंगा एक्सप्रेस इन शाहजहानपुर यूपी में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा मोदी जी ने एंड फ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वर्क इट विल बी द लॉन्गेस्ट एक्सप्रे वे एक्सप्रेस वे ऑफ यूपी एंड फाइव हंड्रेड नाइन्टी फोर किलोमीटर इसकी जो लेंथ रहने वाली है एंड छत्तीस हजार दो सौ थर्टी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड ग्रोव इस पर जो फाइनेंशियलिस्ट यानी कि इतना खर्चा आने वाला है आगे बढ़ते द बुक टाइटल्ड द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज यूपी वाला भैया अब्यूज टू ए पैडेज ऑफ ऑनर तो आपको ये बताना कि इस बुक को किसने लिखा है इस बुक के जो ऑथर हैं शांतनु गुप्ता तो ये आप ध्यान रखें उसके बाद इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे इसे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है बीस दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है टू सेलब्रेट यूनिटी इन डाइवर्सिटी रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉलिडेरिटी ये आप ध्यान रखें ये इंपॉर्टेंट डे है आगे बढ़ते हैं उन सो किम इन सो किम इन्हें अपॉइंट किया गया वीडियो थोड़ा देखो इस फॉर्मेट में इसलिए बताया रीजन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ अब मैंने आपसे प्रामिस किया है कि विद कंसिस्टेंसी आपको वीडियो मिलेंगे तो एट एनी कॉस्ट आपको वीडियो में स्किप नहीं होने दूंगा डेली करंट अफेयर्स में ज़रूर प्रोवाइड करूंगा सो चाहे कुछ भी हो जल्दी बनाना पड़े बट मेक इट श्योर कि कोई क्वेश्चन स्किप नहीं होगा कल इंक्लूड कर लूंगा बट कवर कर दूंगा इन्हें चुना गया जी हिउंड मोटर इंडिया लिमिटेड का अगर मैं हिंडाई की बात करूं तो ये साउथ कोरियन कंपनी है जिसके हेड क्वार्टर्स आपको मिलेंगे साउथ uh, कोरिया की कैपिटल सियोल में द न्यूक्लियर कैपेबल मिसाल्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम अग्नि प्राइम का परीक्षण किया गया जी उड़ीसा कोस्ट से डी द्वारा किया गया काफ़ी इंपॉर्टेंट है अग्नि पी न्यू जनरेशन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ अग्नि क्लास है एंड uh, इसमें इसका जो रेंज है वो एक हज़ार किलोमीटर से दो हजार किलोमीटर तक है तो ये याद रखें अग्नि पी शॉर्ट फॉर्म को अग्नि पी मिलेगी एंड अग्नि प्राइम इसका फुल नेम है इसे उड़ीसा कोर्स से डी द्वारा इसका परीक्षण किया गया ट्रू कॉलर एक रिपोर्ट निकालता है ट्रू कॉलर इंडिया द्वारा रिपोर्ट निकाला गया द इंडिया इज द फोर्थ मोस्ट इफेक्टेड कंट्री बाय द स्पैम्स कॉल इन टू नो आप ट्रू कॉलर जब इंस्टॉल करते हैं तो आपको कोई स्पैम कॉल होती है तो आपको अवेयर कर देता है कि हाँ ये स्पैम कॉल है तो इसी चीज़ का ये रिपोर्ट है इंडिया का पोजीशन टू में बैटर था हम नाइन्थ नंबर पर मोस्ट इफेक्टेड कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें नंबर वन का पोजीशन uh, का मतलब ये नहीं है कि बेटर है नंबर वन पोजीशन का मतलब क्या है कि इसमें ज़्यादा स्पैम्स कॉल्स हैं तो हमारा नाइन्थ नंबर पे था अब हमारा जो नंबर है वो फोर्थ नंबर पे आ चुका है तो टॉप तो थ्री तो तो कंट्रीज़ जो मैक्सिमम स्पैम से जो ज़्यादा सबसे सब ज़्यादा परेशानी से जूझ है ये ब्राज़ील है पेरू है एंड यूक्रेन है ये तीन कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड हैं इंडिया फोर्थ नंबर पे है ये आप ध्यान रखें एंड अगर मैं यूएसए की बात करूं यूएसए ड्रॉप फ्रॉम सेकंड प्लेस इन 2020 टू इन 2021 दैट जो कि जो यूएसए है वो बेटर परफॉर्म कर रहा मोहित जैन मोहित जैन को चुना गया इकोनॉमिक टाइम्स के हैं हैज़ बिन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज़ पेपर सोसाइटी फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू एल आदिमोलन ऑफ हेल्थ एंड एंटीसेप्टिक को ये रिप्लेस करेंगे मोहित जैन का नाम आप याद रखें सो डेड सॉल नाव अब शुरुआत करता हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर शेयर करने की सो so, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टैचू ऑफ श्री आदिशंकराचार्य इसका इनोग्रेशन किया था केदारनाथ उत्तराखंड में जो कॉइन यू के द्वारा निकाला गया है जो पाँच फाइव पाउंड कॉइन है इस पर जो मैसेज है इस पर जो कोट है वो लिखा गया माई लाइफ इज माई मैसेज गांधी जी के को डेडिकेट किया इन्होंने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर एक एस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप किया था इसने उसके बाद गुनमो स्पेस में लॉन्च किया है साइंस सेटेलाइट ये हमारी पड़ोसी पुड़ोस, देश चाइना एंड उन्मुक्त चंद आपको मिलेंगे मेलबोर्न रैनीगेट टीम में देखते हुए हमारी इंडिया की तरफ से तो ये आपने याद रखना है उन्मुक्त चंद ये इंपॉर्टेंट नेम है सो आफ्टर दिस ये है जी आपके लिए क्वेश्चन इसका आंसर अच्छा आप बताएंगे कमेंट करके हु हैज़ बिन कर्नफर्ड विद ग्लोबल एंट्रप्रनर ऑफ द ईयर अबाउट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो किसे चुना गया है आपने बताना इनका नाम सो गाइज विद दिस देखो आप भी इसके बाद में पी डी एफ आप तक प्रोवाइड कर दूंगा बाकी आ, जो भी हमारे स्पूरेंट्स जम्मू एंड कश्मीर सब इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए सिलेबस भी ऑफिशियली अपडेट हो चुका है नाउ इट्स द हाई टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन विथ लाइक हार्डवर्क एंड डेडिकेशन क्योंकि स्लेबस काफ़ी वास्ट है अगर आप अभी से स्टार्ट करेंगे फॉर श्योर sure, आप एट दी एंड एक महीना पहले ख़त्म भी कर पाएंगे अगर आप डिले करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कत होने वाली है सो इफ़ यू आर सीरियस स्टार्ट यूर प्रिपरेशन राइट नाउ एंड बाकी हमारी तरफ से भी पूरी कोशिश रहेगी आपको हेल्प कर पाएँ बट एट दी एंड मैं इतना कहूँगा कि यू हैव टू डू बायर सेल्फ तो सारी चीज़ें आपने खुद ही करनी है लाइक यू कैन टेक सम हेल्प सम्स हेल्प बट एट दी एंड इट इज़ द आप ही हैं जो जो आपको इसमें परफॉर्म करना पड़ेगा सो so गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ न्यू क्वेश्चन के साथ थैंक यू टेक केयर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक like, शेयर जरूर करें